रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस बात को मुखरता से कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। यहां तक कि ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि वो व्हाइट हाउस में जाते ही सबसे पहले यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को पूरी तरह से रोक देंगे, जिससे यूक्रेन बातचीत की मेज पर आ जाए। इसके अलावा ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन के जिस हिस्से पर कब्जा किया है वो उसे रूस के हाथों में गंवाना पड़ेगा, तभी रूसी सेना युद्ध को रोकेगी। लेकिन ट्रंप के इन बयानों से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की सांसें फूल गई हैं, क्योंकि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो यूक्रेन युद्ध में हार जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दो सलाहकारों ने उनके सामने एक शांति समझौता पेश किया है, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का एक मसौदा तैयार किया है। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो वो यूक्रेन को और हथियार सिर्फ इसी शर्त पर देंगे जब तक कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत की मेज पर नहीं आता, और ऐसी घड़ी में अगर रूस बातचीत से पीछे हटता है तो अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा देगा। आपको बता दें कि ये बयान ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल कीथ कैलॉग ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। आपको बता दें कि कैलॉग और फ्राइड फ्लिट्स दोनों ही साल 2017 से 2021 में ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, और इन दोनों का कहना है कि शांति वार्ता के दौरान युद्ध को बढ़ने से रोकने पर जोर रहेगा। और इसको लेकर फ्लिट्स का कहना है कि मैं दावा नहीं कर रहा कि वो इस बात पर या हर शब्द पर सहमत होंगे, लेकिन हमें उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करके खुशी हुई है। स्टीवन च्योंग ने कहा कि ट्रंप या उनकी प्रचार टीम के आधिकारिक सदस्य का बयान ही अधिकृत माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने जो स्टैंड लिया था उसका यूरोपीय देशों और उनकी खुद की पार्टी के भीतर से विरोध हुआ है। हालांकि ट्रंप के सलाहकारों के बयान पर रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ट्रंप के इन दोनों सलाहकारों ने दो टूक कह दिया है कि हमने यूक्रेनियों को बता दिया है कि उन्हें बातचीत की मेज पर आना है, और अगर वो नहीं आते हैं तो उन्हें मिलने वाली अमेरिकी सहायता बंद हो जाएगी। साथ ही हमने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी ये बता दिया है कि उन्हें भी बातचीत की मेज पर बैठना होगा, और अगर वो नहीं आते हैं तो हम यूक्रेन को वो सब कुछ देंगे जिनकी उन्हें युद्ध के मैदान में रूसियों को मारने के लिए जरूरत है। हालांकि जनरल कीथ कैलॉग और फ्राइड फ्लीट्स ने अपने थिंक टैंक अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च पेपर में कहा है कि यूक्रेन की नेटो में भर्ती के प्रस्ताव को लंबे समय तक टालकर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाया जाएगा।